हाय दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कैमरे के सामने अच्छे से वीडियो शूट कैसे करें, बिना डरे वीडियो शूट कैसे करें। जैसे कि कोई यूट्यूबर, मतलब कि यूट्यूब पर नया यूट्यूबर आता है, तो वो पहले सबसे बड़ी समस्या उसके पास यही खड़ी हो जाती है। इसी समस्या को पार नहीं कर पाता है, यूट्यूब छोड़ देता है। इसी समस्या को झेलता रहता है कुछ दिन, लेकिन वो झेल नहीं पाता और वो यूट्यूब को छोड़ देता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के लिए हम कैसे बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकते हैं, बिना डरे कैमरे के सामने बिना डरे बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बिना ही झिकझिक के कैसे बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में तो भाई कोई चाहे जितना बड़ा मतलब कि यूट्यूबर बनना चाहता हो, स्टार्टिंग में वो बहुत ही अच्छे से नहीं बोल सकता, बिना झिकझिक के नहीं बोल सकता स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी अच्छे से नहीं बोल पाता था। अभी इतना अच्छे से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी बोलते नहीं बनता था, बिल्कुल भी हिचकिचा के बनता था, थोड़ा सा दो शब्द बोलता था और पूरा टॉपिक ही भूल जाता था कि मुझे आगे बोलना क्या है, मैं किस टॉपिक में वीडियो शूट कर रहा था, कैसी वीडियो बना रहा था, हर कुछ भूल जाता था। लेकिन धीरे धीरे करता रहा तो आज मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रहा था। तो मुझे पता है कि आप भी अभी न्यू क्रिएटर हो गए, तो आप भी शुरू में इस तरह नहीं बोल पाते हो, अच्छे से बोल नहीं पाते हो, झिकझिक आते हो गए, और मतलब कि आप आधी वीडियो शूट होती होगी, आधी वीडियो में बंद हो जाते होगे, आपसे अच्छी पूरी वीडियो नहीं बन पाती होगी, आप रुक रुक के बोलते होगे, जिससे वीडियो अच्छी नहीं बनती, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, और वीडियो हमारी वायरल वहीं से होना बंद हो जाती है। जब तक हमारी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, क्वालिटी वीडियो वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वीडियो हमारी ऑडियंस देखेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी तो देखेगी नहीं। तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक मतलब टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिन्हें फॉलो करते करते आप एक या दो महीने बहुत ही अच्छे से बोलना सीख जाओगे। मैंने उन ट्रिक को खुद ही फॉलो किया, मैंने भी किसी मतलब किसी तरह मैंने भी एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसने मुझे ये टिप्स बताई थी, मैंने काफ़ी रजिस्टर में नोट करके लिख लिया था और उन्हें मैं फॉलो करते करते एक या तीन चार मिनिमम इतना अच्छे से बोलने लग गया था। स्टार्टिंग में मुझसे बिल्कुल भी बोलते नहीं बनता। दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर मतलब कि दो तीन महीने से काम कर भी रहे हो, तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आप ये कुछ आपको टिप्स नहीं पता होंगी जो मैं आपको बताना वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता थे, मैंने खुद देखा और मैंने उनको फॉलो किया दो महीने पहले से, तो आज मुझे इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बोल पा। जब भाई आप यूट्यूब चैनल बनाते हो, तो आप स्टार्टिंग में ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो कि भाई मतलब कि बड़ी बड़ी यूट्यूबरों की वीडियो आप देखते हो और बोलते हो कि भाई मेरे चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये सब बोलते हो। स्टार्टिंग में आप यही बोलने लग जाते हो, आपके 4 सब्सक्राइबर हैं, 10 व्यूज आ रहा है, मेरे भी आ रहा है हाल ही में, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ऐसी गलती करता नहीं हूँ जैसे कि आप करते हो। अगर आपको पता नहीं होगा, स्टार्टिंग में आप क्या करते हो कि आप बड़ी यूट्यूबरों की वीडियो देखते हो, तो वो लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि भाई मेरे चैनल को पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चलो वीडियो करते स्टार्ट, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाता हूँ कि मेरा किस टॉपिक से वीडियो है, मैं सीधा टॉपिक पे वीडियो में आ जाता हूँ। मैं ये बीच में कुछ नहीं बोलता कि भाई मेरे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ऐसा स्टार्टिंग में आपको भी नहीं बोलना। जो न्यू बंदे होते हैं वो ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि जब मैं न्यू बंदा था तो मैं भी ऐसी गलती कर रहा था, मैं भी यही गलती कर रहा था। स्टार्टिंग में बोलता था भाई मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 4 चैनल मतलब कि 4 सब्सक्राइबर थे, 10 व्यूज आता था, 12 व्यूज आता था, और स्टार्टिंग में बोलता था भाई मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसे क्या होता है, जो हमारी वीडियो ऑडियंस देख रहे तो जब हमारे वीडियो को क्लिक तो कर लेते, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसको ये बताने लग जाते कि भाई हमारे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चलो वीडियो करते स्टार्ट, ऐसा बताने, तो हमारे जब सब्सक्राइबर जो होता है, ऑडियंस होती है, वो हमारे सब्सक्राइबर देखते हैं कि 4 सब्सक्राइबर लिए बैठा है और 10 व्यूज आ रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है कि मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो वायरल होने वाली नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ टॉपिक पे आ जाना कि आप किस टॉपिक से वीडियो बना रहे हो, आपको टॉपिक स्टार्ट कर देना है, आपको ऐसी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं बोलना है। अगर आपकी वीडियो किसी ऑडियंस को पसंद आएगी, तो वो बिना बोलने हमारे चैनल को लाइक करेगी, सब्सक्राइब कर देगी और फुल सपोर्ट भी करेगी। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में यही गलती कर रहे हो कि मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटों इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसके मतलब जो हमारी वीडियो देख रहे हो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारी वीडियो घंटों देखते रहे। आप जो समझा रहे हो, जो हमारी ऑडियंस वीडियो देखने के लिए आई है, आप डायरेक्ट वही समझाने लग जाओ, तो हो सकता है वो ऑडियंस आपकी वीडियो पूरी वॉच कर ले और सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे। लेकिन आप लोगों की गलतियों की वजह से ही नहीं हमारे सब्सक्राइबर मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये गलती करता था, मुझे पता है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मजाक नहीं बना रहा, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि इसके साथ जाना होता ही नहीं, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, अभी भी होता है, लेकिन मैं अब वही गलती
नहीं कर दे कि भाई मेरे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर चलो वीडियो कैसे स्टार्ट, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना। तो फर्स्ट टिप्स हमारी यही होती है कि आप स्टार्टिंग में कोई भी बेल आइकन नहीं लगाना है, ये सब बेल आइकन मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों सबसे बड़ी मतलब कि वीडियो अच्छी बन सकती है और खराब भी बन सकती है, दूसरी टिप्स जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये टिप्स आप जरूर देख लेना। इस टिप्स देखने से आपकी वीडियो भी अच्छी भी बन सकती है और बहुत ही अच्छी बन सकती है और बहुत भी खराब भी बन सकती है। दोस्तों जब हम वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं तो हम अपना कैमरा ओपन करके अपने फोन तो अपना सामने रख लेते हैं, ठीक है। रखने के बाद जो हमारा फोन का फ्लाई मोड होता है आप उसको लगा ही लगा देना है। अगर आप फ्लाई मोड में मोबाइल नहीं लगा रहे, देखो तो जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं बहुत ही दिल और दिमाग से वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिमाग से, बहुत ही मतलब की न्यू ऊर्जा के साथ हम वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं हमारी वीडियो थोड़ा सा कंप्लीट हो गई, बहुत ही अच्छी बन गई, लेकिन वहीं पर अगर हम अपने मोबाइल को फ्लाई मोड में नहीं लगाते हैं तो वहां पर अगर किसी का मोबाइल आ रहा है, फोन आ रहा है, तो वहीं से हमारी वीडियो कट हो जाएगी। और कट होने के बाद अगर हमने उसका फोन भी रिसीव्ड कर लिया तो वो कुछ क्या बात कर रहा है हमें पता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात कर दी जिससे हम बिल्कुल भी मोटिवेट, जितना भी मोटिवेशनल थे वो बिल्कुल भी मोटिवेट हमारा गिर गया, बिल्कुल भी ऊर्जा गिर गई, और बिल्कुल भी फिर अब जब मतलब कि फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा कि हमारा वीडियो शूट करने में, बनाने में, जो वहीं से वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल से गिर गई ना, आप समझ सकते हो। अगर हमारे पहले बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहे थे लेकिन फिर फोन आ गया तो वहाँ से हमारी वीडियो कट गई, ठीक है। कटने के बाद वहीं से हमारी वीडियो क्वालिटी बिगड़ गई, बिल्कुल खराब हो गई। तो आप ऐसी गलती नहीं करना है, आप जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाओ, हर चाहे जब भी वीडियो बनाओ, चाहे ब्लॉग बनाओ, चाहे कॉमेडी बनाओ, चाहे जो वीडियो बनाओ, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को फ्लाई मोड में लगा देना है ताकि कोई बाद में समस्या, बीच में समस्या ना आए, समस्या ऐसी खड़ी ना होगी। आप बहुत ही अच्छी वीडियो शूट कर रहे हो तो बिल्कुल तन मन से वीडियो शूट कर रहे हो, वहीं से वीडियो खराब हो जाए तो आपको कितना बुरा लग सकता है, वहीं से वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि अपने फोन को फ्लाई मोड में लगा देना, ऐसी गलती नहीं करना। मैं ऐसी गलती बहुत बार कर चुका हूँ, मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी बन रही थी लेकिन बहुत ही अच्छी खराब भी हो जाती थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती, ये वाली गलती कभी मत करना, भूल कर भी ऐसी गलती कभी मत करना। फ्लाई मोड में फोन को वीडियो बनाने से पहले लगाना मत भूलना प्लीज भाई, वरना आपको भी कभी बहुत अच्छी वीडियो के शूट कर रहे होगे वहाँ पर फोन आ जाएगा तो आपकी वीडियो पूरी खराब हो जाएगी और वीडियो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, वीडियो नहीं शूट कर पाओगे। तो ऐसी गलती, ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों जब स्टार्टिंग में कोई न्यू यूट्यूबर आता है तो क्या करता है कि स्टार्टिंग में सीधा अपने सामने मोबाइल रखा और शूट करने लगा ये वीडियो। स्टार्टिंग में मैं भी करता दोस्तों, कुछ कॉपी रजिस्टर में कुछ नहीं लिखता था, सीधा टॉपिक पे मतलब कि ऐसे बोलने लग जाता, हेलो दोस्तों मेरे आज की वीडियो में बने रहना, मैं आप बताऊंगा कि यूट्यूब पे कैसे चैनल बनाए, वीडियो बनाए, ये सब थोड़ा सा बोलता और फिर भूल जाता कि मुझे वीडियो के आगे बोलना क्या है, मैं क्या कैसी वीडियो बना रहा हूं, क्या कर रहा था, मुझे सब कुछ भूल जाता था। ऐसी गलती आपके साथ भी होती होगी, इस समस्या आपके साथ भी होती होगी कि आप जब वीडियो बनाना शूट करने जाते हो तो आप जब बैठे होगे तो जब टॉपिक ढूंढ रहे होगे तो आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, 10-15-20 मिनट की वीडियो का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, आप उसे सोच भी लोगे कि मैं ऐसे सब बोलूंगा, ऐसे सब कर दूंगा, मेरी 5 या 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मैं भी सोचता था, मुझे भी यकीन था कि मेरी बन जाएगी, लेकिन जैसी वीडियो शूट करता था 1 या 2 मिनट की वीडियो बनती और फिर आगे का टॉपिक ही भूल जाता कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, क्या मुझे आगे बोलना है, हटकटा जाता, मतलब कि झाड़बड़ी में पूरा टॉपिक भूल जाता। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना, जब आप स्टार्टिंग में आप वीडियो बनाओ या 2-3 महीना तो आप एक कॉपी या रजिस्टर ले लेना है, उस पर आपको नोट कर लेना है, आपको मेन पूरा टॉपिक नहीं बोल रहा, आपको मेन टॉपिक जो होता है हमारा तो उसे आपको नोट कर लेना है ताकि अगर कहीं आप डिस्टर्ब हो जाओ, भूल जाओ वहाँ पर टॉपिक आपको याद ना आए तो आप वो कॉपी या रजिस्टर देख लेना और फिर आगे वीडियो शूट करते रहना। और जब वहाँ पर थोड़ा सा क्लिप हो जाएगा हमारे वीडियो में तो आप जब एडिटिंग करते हो, एडिटिंग तो कर ही लेते होगे, तो एडिटिंग में आप वहाँ से थोड़ा सा उसका पॉट निकाल देना, वहाँ से आपकी वीडियो फिर से उसी प्रकार से बन जाएगी। ऐसा गलती मैं भी करता हूं, मतलब कि ऐसा मतलब ये ट्रिक को अभी मैं फॉलो कर रहा हूं, जो आपकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये ट्रिक हर अभी पूरी ट्रिक अब मैं भी अभी फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूं, मैं भी कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं। देखो दोस्तों आपको दिखा रहा हूं कॉपी रजिस्टर में कैसे लिख के रखे रहते हैं, ये देखो दोस्तों ये होती है पूरी टिप्स, मैं यहां पर लिखे रखा हूं, इन्हीं टिप्स को मैं आपको अभी देख देख कर बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरी तीसरी टिप ये हो गई कि आपको 2 या 3 महीने तक आपको जो वीडियो बनाने से पहले आपको अपने टॉपिक के बारे में एक रजिस्टर में लिख कर रख लेना है अपने सामने, जब आप वीडियो शूट करो तो जहाँ का आप टॉपिक भूल जाओ तो उसे देख कर आप बोल सको। दोस्तों सबसे बड़ी यही मतलब कि एक यूट्यूबर होता है तो यह गलती भी बहुत बड़ी करता है, मैं भी करता था स्टार्टिंग में, जो वीडियो शूट करता है तो पता है वो कहाँ देखता है, अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है, यहाँ पर स्क्रीन पर देखता है, स्क्रीन में देखने से क्या होता
होता है कि जब हमारा स्क्रीन पर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि दोस्तों यार हमारे कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा, मैं खुद अच्छा नहीं दिख रहा। आप ये लोग सोचने लग जाते हो कि हमारी जो कोई ऑडियंस वीडियो देखेगी तो क्या कहेगी, भला बुरा कि ये कैसा बंदा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, कपड़े तो अच्छे है नहीं और वीडियो शूट कर रहा है। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, दुनिया क्या सोचेगी ये आपको नहीं सोचना है। और आप जब वीडियो शूट करो तो आप ना तो स्क्रीन पर तो देखना ही देखना नहीं, वरना आप अगर आप स्क्रीन पर देख कर वीडियो बना रहे तो आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, आप वीडियो ही नहीं शूट कर पाओगे, शर्मा जाओगे अगर स्क्रीन पर देखोगे तो। स्क्रीन पर ना देखकर जो हमारे कैमरे का लेंस होता है यहाँ पर, इस कैमरे के लेंस पे आपको बिल्कुल फोकस करते रहना, सिर्फ आपको बिल्कुल भी स्क्रीन पर नहीं देखना, जो छोटा सा कैमरे का लेंस होता है आपको वहीं पर देखना है। इससे और ये मतलब वीडियो में क्वालिटी क्या हो जाती है कि वीडियो हम जब बनाते हैं तो हमारी जब आंखें होती हैं तो हमारी जो ऑडियंस होती है उनकी आंखें हमारी आंखों से सेम मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ऑडियंस होती है उसे वीडियो हमारी और अच्छी लगती है और वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना कि स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन पर नहीं देखना, वरना आप खुद सोचो कि मैं कैसे हूँ, मेरा बैकग्राउंड कैसे, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, मेरा पर्सनल रूम नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइट नहीं है, मैं कैसे कहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग बहुत सारी बातें सोचने लग जाओगे कि हमारी कोई वीडियो देखेगा ऑडियंस, हमारे घर पास पड़ोस वाली वीडियो देखेंगे तो वो मुझे क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे, ये कैसा है और कैसी वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो में क्वालिटी तो है नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा सोचने आप तो नहीं सोचना। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर YouTube पे काम करना है तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे, आपको ऐसा नहीं सोचना है। और मैं कैसा दिख रहा हूँ ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप जैसे भी दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छे हो, आपको पता है और दुनिया वालों को बता कर भी आपको क्या करना है। तो ऐसी गलती नहीं करना कि मतलब कि ऐसी गलती नहीं करना कि स्क्रीन पर देखना नहीं, आपको कैमरे के लेंस पर फोकस करना है, तभी वीडियो क्वालिटी अच्छी बन जाएगी। दोस्तों यह भी बड़ी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि एक ये मतलब कि मैं आपको बता दूं कि यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ वीडियो पे, मेरे वीडियो अच्छी है नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मेरी वीडियो ऑडियंस क्यों देखेगी, नहीं देखेगी। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे, जो हमारी ऑडियंस होती है वो हमें नहीं देखती, हमारे बैकग्राउंड को नहीं देखती, हमारी लाइट को नहीं देखती, हमारे पर्सनल रूम को नहीं देखती, वो हमारे टैलेंट को देखती कि यह बंदा क्या समझा रहा है, यह जो समझा रहा है उसकी बातें हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो ऑडियंस हमारी होती है वो ये देखती है और हमारे बैकग्राउंड को ये कुछ नहीं देखती। अगर ऑडियंस की हमारी वीडियो समझ में आ रही है, हमारी बातें समझ में आ रही है कि हम क्या समझा रहे हैं, उसके समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो फुल वॉच कर जाएगी, अगर हमारी बातें उसके समझ में नहीं आएगी तो वहीं पे वीडियो छोड़कर चली जाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, सिर्फ आप ये दिखाओगे कि मेरी वीडियो कितनी अच्छी है, मैं आप क्या समझा रहा हूँ, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इस तरह से समझाओ कि जैसे मेरे सामने कोई दोस्त खड़ा है, उसे आप समझा रहे हो, कुछ बता रहे हो, उसे ये समझ कर समझाओ, ऐसा समझ कर मत समझाओ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो कैसी बनेगी, मतलब कि सब कोई देखेगा, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि मेरे सामने मेरा दोस्त है, मैं उसे कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज है तो मैं उसे ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसे भी नॉलेज हो जाए। आप ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को मतलब वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो बहुत लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। तो आप अच्छे से वीडियो बनाओ। और दोस्तों जब वीडियो हम शूट करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। आप लोग सोचते हो कि हम 10 या 15 या आधा घंटा वीडियो एक बनाकर शूट करके अपलोड करके एडिटिंग करके चले जाए, तो ऐसा भी आपको गलती नहीं करनी है। जब तक आपके पास 4 घंटे 6 घंटे का टाइम नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे काम नहीं कर पा सकते, मतलब यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकते। जब आप तक 4 या 6 घंटा यूट्यूब पे टाइम नहीं दोगे तो आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकते। तो आप किसी भी फील्ड में अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपको 6 घंटे 8 घंटे टाइम देना होता है। आप ये लोग सोचोगे कि मैं इसमें फील्ड मतलब इस काम में भी ग्रो कर लूँ, उस काम में भी ग्रो कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक काम पे जब तक फोकस नहीं करोगे तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। जब तक आप एक काम पे फोकस करना शुरू कर दोगे तो आप उसी दिन से मतलब कि कामयाबी को बढ़ने लग जाओगे। तो आपको यूट्यूब पे अगर काम करना है तो उसके लिए आपको पास टाइम होना चाहिए, 6 घंटे 8 घंटे जितना भी हो सके उतना टाइम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम हमें एडिटिंग वीडियो एडिट करने में लगाना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग जितनी हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी एडिटिंग होगी उतनी वीडियो वायरल होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि मतलब कि जो गांव से बंदे होते हैं वो लोग सोचते हैं कि मतलब कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बगल वाले घर वाले पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, मैं इस तरह से पागल तरह वीडियो शूट करता रहता तो सब कोई देखता है और मतलब कि सब कोई देखता है मुझे क्या कहते होगा पागल, मतलब कि ऐसे तमाम बातें सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं, मैं भी बहुत दूर जाकर वीडियो शूट किया करता हूँ जहाँ
कोई नहीं होता, क्योंकि मुझे भी लोग कहते हैं ये पागल हो गया क्या करेगा, ऐसी बातें सबके पास आती हैं जो मतलब कि गांव से मतलब कि बंदे होते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, अगर आपको काम करना है तो आपको ये दिल और दिमाग से निकाल देना है कि मुझे देख रहा है मुझे क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि ये बंदा क्या करेगा, मतलब कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। दुनिया जो भी सोच रही है उसे सोचने दो, उसका तो सोचने का ही काम है, उसे सोचने दो जो सोच रही है, लेकिन आप जो कर रहे हो अपने काम पे फोकस करो। आप किस काम में ग्रो करना चाहे तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते रहो और दुनिया वाले की बात को पीछे छोड़ो और अपने काम पे अच्छे से फोकस करो और दुनिया वाले की बातें सुनना ही छोड़ दो। बस अपने काम पे फोकस करते रहो कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करना है, बस आपको ये सोचो, काम पे फोकस करो, दुनिया वाली की बातों पर नहीं। दोस्तों हाँ जी, तो हमारी ये लास्ट टिप्स है कि दोस्तों जब आप वीडियो शूट करते हो तो आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए, आपको ऐसी जगह में जाना चाहिए वीडियो शूट करने के लिए जहाँ पर बहुत ही कम शोर शराबा हो। एक हिसाब से तो बिल्कुल भी कम होना चाहिए, बिल्कुल भी शोर या शराबा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से शोर शराबा वहाँ पर हो रहा है। हमारी वीडियो में जो वॉइस होती है वो हमारी वॉइस अच्छी नहीं होती है, वो भी वॉइस मतलब जो शोर हो रहा है तो वो भी हमारे वीडियो में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी खराब होती है, अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे वीडियो की पूरी क्वालिटी ही खराब हो जाती है। इसके लिए आपको ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहां पर बिल्कुल भी शोर या शराबा ना हो रहा हो, आप ऐसी तलाश मतलब ऐसी जगह में जाना चाहिए वीडियो शूट करने के लिए। दोस्तों तो हमारी ये लास्ट टिप्स है दोस्तों, अगर आपको कुछ टिप्स ये फॉलो कर आप देख लेना, 1 या 2 महीने 3 महीने आप इन टिप्स को फॉलो करते करते आप भी एक दिन मतलब कि अच्छे से बोलने लग जाओगे बिना डायरेक्ट कैमरे के सामने। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।